मान जी बेनीवाल का क्या लग रहा है, एक सरकार बनेगी मजबूत, सरकार में हिस्सेदार होंगे? ये एक जिंदा दिल मर्द नेता है, भगत सिंह की भूमिका निभाने वाला नेता है, ऐसा नेता कभी नहीं आएगा। हनुमान जी की सरकार बनेगी या इनका बगैर नहीं बनेगी, बार हनुमान के बगैर सरकार नहीं बनेगी किसी हालत के अंदर। 200 में से कितनी सीटें मानते हैं आप? लगभग 100 प्लस जाएगी। 100 प्लस सरकार बनाएंगे? हाँ बिल्कुल सरकार बनाएंगे। क्या मुख्य मुद्दे होंगे सरकार बनने के बाद, क्या उम्मीद है कि क्या परिवर्तन होगा? ये आदमी सही है और सही के हिसाब से सरकार बनेगी। अगर सरकार बनती है तो क्या मतलब परिवर्तन होगा, क्या उम्मीद है? परिवर्तन बेरोजगारी जो है उस पर गौर करेगी, किसानों को जो राहत मिलनी चाहिए वो मिलेगी और महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएगी, शिक्षा और स्कूलों में सुधार वगैरह। हनुमान जी बेनीवाल के विकास के कार्य जो होने चाहिए खींवसर विधानसभा में वो करवा रहे हैं? पूरा विकास है, हर गांव में स्कूल है, हर गांव को रोड से जोड़ रखा है और पानी भी उचित व्यवस्था है। जो भी सरकार में नहीं होते हुए भी इतना विकास हो रहा है, सरकार में नहीं होते हुए भी इतना विकास अगर सरकार में होंगे तो उतना विकास होगा, आप बता सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो। फिर आप किसान का सुधार जब भी होगा, किसान मजदूर होगा और ये हमारे युवा जो पढ़ने वाले ये मजबूत हो गए, जब भी राजस्थान आगे बढ़ेगा। हनुमान जी के टक्कर में हाल फिलहाल कोई है ही नहीं। अब की बार चुनाव में ना बूंदिया चलेगा, ना भुजिया चलेगा, ना दारू ढोला पैसा कुछ नहीं, सिर्फ हनुमान का डंका बजेगा, दिल जी जान से खून ही बहाना पड़े हनुमान के लिए रात दिन।